मम्मी कब आएंगी? नाश्ता करो बेटा। पापा, मुझे मम्मी बहुत याद आ रही है। वो हमें स्कूल के लिए रोजाना तैयार भी कराती थी। हाँ तो आपको आज भी तो मेड ने तैयार करवा दिया, फिर क्या प्रॉब्लम है? लेकिन पापा, वो हमें स्कूल छोड़कर भी आती थी। मुझे आज ऑफिस से देर हो रही है, इसलिए आगा जी आप दोनों को छोड़ देंगे। मैं फिर किसी दिन छोड़ आऊंगा आपको। लेकिन पापा, मम्मी कब आएंगी? हाँ पापा, मुझे भी मम्मी की बहुत याद आ रही है। अरे बेटा रोना नहीं है, रोना नहीं बेटा, आ जाएगी बहुत जल्द, आ जाएगी, मम्मी परेशान मत हो। आगा जी, हमें मम्मी के साथ स्कूल जाना है। हाँ, मुझे भी मम्मी के साथ स्कूल जाना है, बस मुझे मम्मी चाहिए। हाँ हाँ बेटा, आ जाएगी आ जाएगी, चल चल नाश्ता करो, देर हो रही स्कूल को, देर हो रही, नाश्ता करो बेटा। सिद्रा बैठोगा? आगे जी आप जाइए। रात पर मेरी बेटी को डर तो नहीं लगा तुम्हारा? नींद आ गई थी ना? काम करो, ये रख लो आप, ठीक है? और मैं स्कूल में कुछ खा लेना। अच्छा एक बात बता, रात जब आप कमरे में आए थे वो आंटी को देखा था ना, उनके बारे में किसी से कुछ नहीं कहना, निम्रा को तो बिल्कुल नहीं बताना, ठीक है? और मम्मी से भी कुछ नहीं कहना, समझो आपने आंटी को देखा ही नहीं। याद रहेगा ना? अगर बताया ना तो पापा नाराज हो जाएंगे, फिर डांट पड़ेगी, इसलिए बिल्कुल नहीं बताना। चलो स्कूल जाओ। पापा, मम्मी आज आ जाएंगी ना? आप बाहर जाओ, आगा जी उन्होंने आपको वेट कर दिया। ये क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? घर जा रही हूँ अभी इसी वक्त। पागल हो गई हो तुम? कल सदान भाई ने कितना तमाशा किया था, अभी घर कैसे जा सकती हो? मैं अपनी बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। पता नहीं स्कूल भी गई होंगी कि नहीं, नाश्ता किया होगा कि नहीं किया होगा, यूनिफॉर्म ठीक तरह पहना होगा कि नहीं पहना होगा। तुम्हें पता है स्कूल में चेयर पे खड़ा कर देते जिनका यूनिफॉर्म ठीक ना हो, ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। हौसले से काम लो अलीना, मैं समझ सकती हूँ कि तुम अभी सही सिचुएशन में नहीं हो, लेकिन इस सिचुएशन से निकलने के लिए तुम्हें हौसले और सब्र की जरूरत है, और मैं तुम्हें जाने के लिए रोक नहीं रही हूँ, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुमने देखा नहीं, सदान भाई ने कल नखीर पर फायर किया था। सदान भाई ऐसे इंसान नहीं है जो तुम्हारे फौरन चले जाने से माँ की तड़प को समझेंगे, और तुम्हारे जाने से मामला सही नहीं होगा और बिगड़ जाएगा। फिर मैं क्या करूं, क्या करूं मैं नैना? अलीना, जरूरी भी तो नहीं कि वो तुम्हें घर में दाखिल होने थे। तुम्हारे सामने उन्होंने गार्ड को क्या कहा था? प्लीज काम डाउन एंड बी ब्रेव। इतना झुकोगी तो सदान भाई बिल्कुल तोड़ कर रख देंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, ना ही झुकने से, ना ही अना की, ना ही अपनी बेइज्जती की।
सादान मुझे जितना चाहे झुका सकते हैं झुका लें, लेकिन मैं अपनी बच्चियों के बगैर नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती उनके बगैर। ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ नहीं। Is everything okay? Yes, please. आओ बैठो। कितना प्यारा घर है तुम्हारा। रात को मैंने ठीक तरह देखा नहीं। चलो मुझे मेरा घर दिखाओ ना। दिखाओगे ना? Of course दिखाऊंगा। पहले ब्रेकफास्ट तो कर लो। तुमने कर लिया? नहीं कहाँ, तुम्हारे बगैर कैसे कर सकता हूँ। Oh, how sweet. सुरैया, सुरैया। जी साहब। ये बर्तन उठाओ और मैडम के लिए ब्रेकफास्ट लेकर। जो कहा है वो सुना नहीं, खड़ी खड़ी देख के आ रही हो, जाओ। जी साहब। यू वांट टी? प्लीज। फोन कर दिया था कि देर हो जाएगी दफ्तर में काम से, अब दिन चढ़ाया अभी तक तो पता नहीं कुछ। अच्छा तभी, मैं भी कल भी फोन कर रहा था, आज भी क्या फोन ही नहीं उठा रही मेरा। भाई कमाने कहने सब, इसका मतलब है कि मर्दों वाले तौर तरीके शुरू हो गए, जब मर्जी आए घर आओ, जब मर्जी आए जाओ, ये क्या बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा आप, 100% ही दुरुस्त बात है। सुल्ताना देख लो, जो मैं कह रहा हूं ना वो ये भी कह रहा है, जरा समझाओ अपनी बेटी को। जब बात कमाने और तनख्वाह देने की बात आती है ना, तो दुनिया वाले ये नहीं देखते कि ये लड़की है या लड़का, तनख्वाह देते हुए सब कुछ भूल जाते हैं। और वैसे भी सबको काम अपना प्यारा होता है, काम ज़्यादा था इसलिए ऑफिस में रुक गई होगी। और तुम बताओ तुम कैसे हो? चाची अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। वो असल में फ़ोन नहीं उठा रही थी, मुझे लगा घर पर होगी इसीलिए चला आया। नहीं बेटा वो ऑफिस में मसरूफ है। से एक बात करनी थी, आप दोनों से एक बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? असल में आपको पता है अम्मा अब्बा तो है नहीं, वो होते तो वही ये बात करते, मजबूरन मुझे करनी पड़ रही है। बात ये है कि रमा को पसंद करता हूँ, आप दोनों मुनासिब समझे तो शादी करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। मेरी तरफ से तो बिल्कुल कोई इनकार नहीं है, हाँ ही समझो तुम। हाँ लेकिन ड्रामा से पूछना जरूरी है असगर अली। चाची बात करने की जरूरत ही नहीं है, पसंद करती है मुझे, आपको बस हुकुम देना है, सिर्फ हुकुम देना है और कुछ भी नहीं। हुकुम क्या बस यार, कह देंगे उससे, बल्कि कर देंगे तुम्हारी शादी उससे, रमा से, उसको बता देंगे यार के अशर से बस शादी तय होगी उसकी, और क्या। वाकई चाचा?
सच्ची और बात क्या भाई? बिस्किट बिस्किट खाए ना चाचा। नहीं मुझे खांसी हो जाती भैया। मैं चाय निकाल के दूं? करती है ना कैंटीन का खाना नहीं खाना चाहिए, इसलिए रोजाना घर से खाना देती थी, लेकिन आज नागर जी ने पैसे दे दिए। आज मम्मी जो नहीं थी कैसे खाना दे सकती थी, पापा ने उन्हें घर से जो निकाल दिया। मम्मी कब आएंगी पता नहीं, अगर आएंगी भी तो गार्डन अंदर आने नहीं देंगे। सुना नहीं था पापा ने कहा था कि घर में कोई भी नहीं आएगा, मम्मी भी नहीं। अगर मम्मी अंदर आने लगेंगी तो गार्ड उन्हें गोली मार देंगे, जैसे पापा ने अंकल को गोली मारी थी। पता नहीं, मुझे गार्ड से और गार्ड के गनों से बहुत डर लगता है। मुझे भी बहुत डर लगता है। तय आप ही, जब पापा ने अंकल को गोली मारी थी ना, मुझे लग रहा था पापा मुझे और आपको भी गोली मार देंगे। जब पापा शाउट करते मुझे तब भी बहुत डर लगता है, गोली से भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे भी बहुत डर लगता है। आप ही, पापा मम्मी और अंकल को क्यों मार रहे थे, उन्होंने क्या गलत काम किया था? पापा की आदत है मम्मी की हर बात पे लड़ते हैं। आपको पता है आप ही, मेरी टीचर कहती है चाहे छोटे हो या बड़े लड़ना नहीं चाहिए। अगर सादान ने मुझे तलाक दे दी तो निम्रा सित्रा का क्या होगा, कहाँ जाएंगी ये दोनों, किसके पास रहेंगी? सादान तो नहीं रख सकता उन्हें, लेकिन अगर सादान ने इनकार कर दिया मुझे देने से तो? सादान कुछ भी कर सकता है। नहीं, मैं अपनी बेटियों के बगैर नहीं रह सकती, उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। क्या कुछ नहीं किया सादान ने, वो मुझसे बात करेंगे और फिर नैना और नकली क्या फील करेंगे, कितना साथ दिया मेरा। नहीं, मुझे अपनी अना से अपने हर रिश्ते से ज्यादा निम्रा और सित्रा अजीज है। मैं उनकी खातिर कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी सह सकती हूँ, कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ। तुम्हारी जुरत कैसे हुई मेरी जिंदगी के बारे में फैसला करने की और किसी के भी हाथ में मेरा हाथ थमा देने की? हाँ बस भी करो अब तुम, बात करने दो मुझे। माँ बाप हूँ मैं तुम्हारा, इतना तो हक बनता है ना मेरा। नहीं 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 नहीं, बाप नहीं हूँ, मेरी माँ के शौहर हो बस। और अगर मेरा सगा बाप भी होता ना तो उसको भी हक नहीं था मेरे बारे में फैसला करने का। जा, देख रही हो अपनी बेटी को तुम, देख रही हो तुम? चलो, क्या हो गया तुम्हें? इसको समझा दो, अगर फैसले करने का इतना ही शौक है ना तो खांसना बंद करे, बिस्तर से उठे और बाहर जाके दो चार पैसे कमा के लेके आए, और फिर जितने फैसले करने हैं ना अपने और आपके बारे में कर ले। मेरे बारे में किसी को भी हक नहीं है कि कोई भी फैसला करे, समझ में आई है ना? मुझे सादान से बात करनी होगी। मुझे आपसे कोई बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देखिए सादान, आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि हमारा घर टूट रहा है, बच्चे कितने डिस्टर्ब हो रहे हैं। जो कुछ भी हुआ है मैं जानती हूँ, आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया, नैना नखील के साथ जो कुछ हुआ। तुम्हारी कजन नैना और उसका शौहर नखील जानते नहीं है मैं कौन हूँ, मेरी ताकत क्या है। मैं चाहूँ तो सारी जिंदगी के लिए उसे जेल भिजवा सकता हूँ। सादान, आप सब कुछ भूलकर अपने बारे में, बच्चों के बारे में, मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते? कैसे हम एक दूसरे की जिंदगी को तमाशा बनाते जा रहे हैं? तमाशा मैंने नहीं, तुम लोगों ने बनाया, और मुझे जो करना है ना उसका फैसला मैं कर चुका हूँ। फैसला? कैसा फैसला? बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम्हें कैसा फैसला।
फॉर्जरी की है ना तुम लोगों ने, नकली विल बनवाई अम्मी की। ना मैं ये भूलूंगा और ना छोड़ूंगा तुम्हें। استغفار دیکھ لیا اپنی بیٹی کو تم نے، بدتمیزی کا طوفان، شکر ہے کہ میری سگی بیٹی نہیں ہے، ورنہ جانے کیا کر چکا ہوتا اس کے ساتھ۔ لیکن یہ بےہودگیاں برداشت نہیں کروں گا، میں بتا رہا ہوں تمہیں، جو ہو سکے گا کروں گا، میں مرا نہیں ہوں، میں زندہ ہوں۔ میں تمہارے وکیل سے ملا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری ساس نے جو پراپرٹی تمہارے نام کی ہے، سادھان اب چاہ کر بھی وہ تم سے چھین نہیں سکتا ہے۔ مجھے پراپرٹی نہیں چاہیے، مجھے اپنی بچیاں چاہیے، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سمجھنے کی کوشش کرو علینا، اگر سادان کی امی نے پراپرٹی میں سب کچھ تمہارے نام کیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا۔ ہاں بالکل، اور دیکھو سمجھنے کی کوشش کرو، سادان اس وقت ان سٹیٹ آف شاک تھا، اسی لیے ایسے ریاکٹ کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ریئلائز کرے گا کہ اس کی والدہ نے اسی کی پراپرٹی تمہارے نام کر دی ہے تو بالکل سیدھا ہو جائے گا وہ، اور اگر نہیں بھی ہوتا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارا اور تمہاری بیٹیوں کا فیوچر تمہاری ساس نے سیکیور کر دیا ہے۔ لیکن مجھے فرق پڑتا ہے نخیل، سادان جیسا بھی ہے میری بچیوں کا باپ ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ اپنے باپ کے بغیر زندگی گزارے۔ تم دونوں جانتے ہو کہ کس طرح کا انسان ہے وہ، اگر اس نے مجھ سے بچیاں لے لی تو میں کہاں جاؤں گی، میں مر جاؤں گی پھر۔ نخیل، بچیوں کی کسٹڈی کے بارے میں کیا کہا ہے وکیل نے؟ اس نے کہا ہے کہ اتنی آسانی سے کسٹڈی نہیں ملے گی، کیس تو لڑنا ہی پڑے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا کہا ہے، پاسبلٹی ہی ہے، لیکن اس معاملے میں سادان بھی شاید وہ بھی کیس جیت سکتا ہے۔ مطلب سادان میری بچیاں لے لے گا مجھ سے، میں اپنی بچوں کے ساتھ ہی رہوں گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے نخیل؟ یہ نہیں ہو سکتا، مجھے اپنی بچیاں چاہیے، چاہیے مجھے اپنی بچیاں۔ علینا میری بات تو سنو، علینا رکو، کوئی تو طریقہ ہوگا۔ نہیں، اب جو کچھ بھی ہے وہ آپ کی وائف کے نام ہے، اگر آپ کو اپنی پراپرٹی واپس چاہیے جو کہ اس وقت آپ کی نہیں ہے، وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ آپ کی وائف خود آپ کے نام کرے۔ بچے؟ ہاں بچے آپ کی کسٹڈی میں ہیں، اگر آپ نہ دینا چاہیں تو وہ کورٹ سے رجوع کرے گی، زبردستی نہیں کر سکتے۔ ویسے یہ ہے بہت مشکل کام ہے، اتنی بڑی پراپرٹی کسی کے نام ہو اور وہ خود اپنی مرضی سے بغیر کسی قیمت کے کسی دوسرے کے نام کر دے۔ پراپرٹی تو وہ میرا نام کرے گی، وجہ میں خود ڈسائڈ کروں۔ ٹھیک، دیکھتے ہیں۔ میری بات سن لو گی رما، میری بات تو سن لو یار۔ مجھے کچھ نہیں سننا، جب ہماری اس ٹاپک پہ آلریڈی بات ہو چکی تھی تو تمہیں اس شخص سے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی جس شخص کی میں شکل دیکھنا پسند نہیں کر سکتی؟ سب ٹھیک ہے، لیکن مجھے لیٹ می ایکسپلین۔ مجھے نہیں سننا، تم اچھی طرح جانتے ہو کتنے سالوں سے وہ شخص میرے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، اس کی دوائیوں سے لے کے کھانے سے لے کے پینے تک کا میں پے کرتی ہوں، وہ فیصلہ کرے گا میری زندگی کے بارے میں۔
मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। I love you, okay? We already had this conversation. We were clear about this. हमने बात कर ली थी। हाँ, लेकिन क्या? क्या लेकिन? क्या? मुझे नहीं समझ रही कोई बात। सुमा, calm down, please. गुस्सा कम करोगी तो बात हो सकेगी। हाँ, तो तुम गुस्से वाली बातें करोगे तो गुस्सा आएगा ना? ठीक है, okay. मेरी गलती थी, मुझे नहीं जाना चाहिए था, मेरी तुम्हारी बात हो गई थी, ओके। आई वाज सो रॉन्ग, गॉड। लेकिन मैं क्या करूं, ये इंसान कितना भी समझ जाए ना, ये मोहब्बत करने वाले दिल ही नहीं समझते। तो मैंने सोचा कि चाचा चाची के पास चला जाऊं, क्या पता मेरी मोहब्बत को भी रास्ता मिल जाए। लेकिन ठीक है, मैं गलत था। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ, प्लीज प्लीज। देखो, मोहब्बत ना मिली ना तो मैं रह लूंगा, कोई मसला ही नहीं। लेकिन तुम्हारी जैसी दोस्त चली गई, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। Such an over actor. Are we good? Shut up. Just shut up. Okay. मम्मी, आप प्लीज वापस आ जाए। मम्मी, आप प्लीज वापस आ जाए। निम्रा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? सिद्रा ठीक है? बस मम्मी, हमें आपके बगैर नहीं रहना। मुझे आपकी बहुत याद आती है और सिद्रा भी बहुत रो रही है मम्मा। अच्छा, मेरी सिद्रा से बात कराओ। जी मम्मी। मम्मी, आपको पता है आज मेरा यूनिफॉर्म भी ठीक नहीं था, मिसने आज मुझे चेयर पे खड़ा रखा। निम्रा मेरा बच्चा। मम्मी, आज हम घर से हेल्दी फूड भी लेकर गए थे। मम्मी, आपको मना करती है ना, लेकिन फिर भी हमें कैंटीन का खाना खाना पड़ा। मम्मी, मैंने तो वो नहीं खाया, टिफिन में ही पड़ा रहा। अभी मेरी भी बात करवाए मम्मी से। मम्मी, मम्मी, मुझे आपके पास आना है। हाँ मेरी बच्ची, बिल्कुल। मुझे आपको बहुत डर लगता था, मुझे आपके बगैर मूवी नहीं आ रही। मुझे लगता था कि मुझे और आपी को कोई गोली मार देगा। क्या कह रही हो बेटा, क्या कह रही हो सिद्रा? सिद्रा मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें डर लग रहा था तो तुम पापा के कमरे में चली जाती ना निम्रा आपी को लेके। आप भी नहीं उठ रही थी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अकेली पापा के कमरे में गई। तो पापा ने भी मुझे अपने पास नहीं सुलाया। लेकिन तुम तो उसको डिवोर्स देने वाले थे। हाँ, इसीलिए गया था मैं लॉयर के पास, लेकिन उसने कहा लीना को इस वक्त डिवोर्स देने का मतलब है अपने दोनों हाथ कटवा लो। वो सब कुछ अपने साथ ले जाएगी जो अम्मी ने उसके नाम की। तो इसका मतलब ये है कि अब पूरी जिंदगी प्रॉपर्टी के चक्कर में तुम इसे बीवी बना के रखोगे? हाँ रमा, मैंने कब कहा ऐसा? मैं ऑलरेडी बहुत उलझा हुआ हूँ, प्लीज मुझे इस मामले से निकलने के लिए सोचने का मौका तो दे। क्यों बेटा, पापा के कमरे में सो जाती ना जब इतना डर लग रहा था। जब मैं वहां गई तो ना पहले बिटिया, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या क्या हुआ? बिटिया आप फिक्र मत करें, मैं हूँ ख्याल रखने के लिए, आप परेशान मत हो। जी आगा जी, आगा जी, आप तो जानते हैं ना कि सिद्रा रात को डर जाती है। आप मेरी तरफ से सादान को ना बोलिएगा, लेकिन निम्रा सिद्रा को उनके कमरे में सुला दीजिएगा रात को। सब ठीक हो जाएगा, जब तक नहीं होता बच्चियों का, बिल्कुल आप फिक्र न करें, मैं हूँ इनके पास। शुक्रिया आगा जी, निम्रा सिद्रा की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, बस आप ही एक उम्मीद है। मेरा ख्याल है सदान साहब आ गए, मैं बात में बात करूँगा। खुदा हाफिज। बेटा बस ये देखो, अब तुम लोग कमरे में चले जाओ, और हाँ सदान साहब को बिल्कुल नहीं बताना कि तुम्हारी मामा से बात हुई थी, ठीक है? जाओ जाओ। Yeah.
मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी, और जैसा बकवास रिश्ता आपने बताया है उससे तो बिल्कुल भी नहीं करनी। इससे नहीं करनी, उससे नहीं करनी, अशर से नहीं करनी, तो फिर तुमने किससे आखिर शादी करनी है? क्या सारी जिंदगी तुमने घर में बैठे रहना है कुंवारा? देखो बेटा मेरी बात सुनो, सुलेखा बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई है, उस लड़के ने MBA किया हुआ है, 45,000 उसकी तनख्वाह है, और छोटा सा घर भी है किराए का, और उसकी अपनी गाड़ी भी है छोटी सी। मैं जानती हूँ ये किसका चक्कर है, जिसको इतनी तकलीफ हो रही है ना उसको ये बता दे कि अगर मैं इस घर से चली गई तो वो भूखा मर जाएगा। और अम्मी आपकी और मेरी सोच में कितना फर्क है, मैं आपको इस छोटे से घर से बड़े से बंगले में ले जाने की कोशिश कर रही हूँ, और आप मेरी शादी एक ऐसे इंसान से करना चाह रही हैं जिसका जिसकी कुल मिला के औकात ही 45,000 रुपए। 45,000 का तो मेरा मेकअप होगा तो मेरी शादी होगी, मुझे नहीं करनी ऐसे फकरे से शादी। रमा रमा मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं इस लड़की को? सलाम अलैकुम साहब। वालेकुम सलाम। खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं मुझे भूख नहीं है। बच्चियां कहाँ? सब्जी अभी तो यहाँ खेल रही थी, अब कमरे में पढ़ रही है। ठीक साहब जी, बच्चियाँ बहुत परेशान थी, रो रही थी अलीना बिटिया के लिए। फोन आया था अलीना का। साहब जी इसका मतलब है वो भी यही चाहती है कि बात यही खत्म हो जाए। ऐसे कैसे बात खत्म हो जाए, देखा नहीं था आपने किस तरह जाहिलों की तरह लड़ रहा था मुझे वो नखील? साहब जी आप सिर्फ अपनी बच्चियों को देखें, बाकी सब कुछ भूल जाएं। अलीना बिटिया भी इसी वजह से परेशान है। उसकी परेशानी की वजह वो खुद है, उसकी हरकतें, खून खौलता है उसे देख के मेरा। आप कहें तो मैं बात करूं अलीना बिटिया से। मर्जी है आपकी, लेकिन एक बात उसे साफ साफ बता दीजिएगा, मैं उसे तो बच्चियों की खातिर माफ कर दूंगा लेकिन उस नैनो और नखील को माफ नहीं करूंगा कभी। इसका मतलब है अलीना बिटिया इस घर में आ सकती है? हाँ ठीक है आ जाए, लेकिन सिर्फ निमरा और सिद्रा की। और हाँ मेरी एक शर्त है, उस शर्त के बगैर। शर्त? कैसी शर्त? आपी ये तलाक क्या होती है? तलाक? हाँ उस दिन पापा मम्मी से कह रहे थे ना कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, फिर मम्मी कह रही थी नहीं प्लीज मुझे तलाक मत दो। पता नहीं मेरे ख्याल से तलाक का मतलब होता है अलग अलग होना। अलग अलग रहना क्या मतलब? जैसे मेरी दोस्त थी ना, उसके पापा ने उसकी मम्मी को तलाक दे दी थी, तब उसकी मम्मी उसे लेने आती है, पापा नहीं आते लेने। क्यों? इसलिए क्योंकि तलाक का मतलब होता है अलग अलग रहना। अगर पापा ने मम्मी को तलाक दे दी तो मम्मी और पापा भी अलग अलग रहेंगे, इस घर में नहीं रहेंगे। हाँ अब पापा किसी और घर में रहेंगे और मम्मी किसी और घर में रहेंगी, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो फिर हम कहाँ रहेंगे? मैं तो मम्मी के पास रहूँगी। मैं भी मम्मी के पास रहूँगी क्योंकि मुझे मम्मी के बगैर नींद नहीं आती। फिर पापा कहाँ रहेंगे? पता नहीं, जब तलाक हो जाती है तो अलग अलग रहते हैं। तलाक का मतलब होता है अलग अलग रहना। अरे निद्रा सिद्रा बेटा कैसी बातें कर रहे हो आप लोग हैं? कोई तलाक नहीं हो रही ठीक है, और कोई अलग अलग नहीं रह रहा, तुम दोनों मम्मी पापा के साथ रहोगे, और ऐसी बातें मत सोचा करो। हाँ ये बताओ कि मैं तुम लोगों के लिए फ्रेंच फ्राइज लेकर आऊं? फ्रेंच फ्राइज? जी आगा जी। अभी लेकर आता। तुमने मेरी डॉल का अभी तक एग फ्राई नहीं किया है, जल्दी करो मुझे भूख लग गई है बेचारी। देखो मेरी डॉल तुम्हारे लिए क्या क्या बना रही है। थैंक यू, चलो मिलकर खाएंगे सब। चलो चलो जल्दी आ जाओ तुम सब। तुम मेरी ही जायदाद मुझसे छीन कर ले जाओ अलीना, ये मैं नहीं होने दूंगा। Never।
मैंने अगर दुनिया में किसी को चाहा था ना अम्मी, तो आपको चाहा था। मगर मैं सोच भी नहीं सकता कि आप अपने हाथों से मुझे गैर कर देंगी और अलीना को सब कुछ देकर चली जाएंगी। गम यह नहीं है कि मुझे अलीना से अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद छीननी पड़ेगी। दुख इस बात का है कि मेरी माँ ने मुझे अलीना के सामने गैर कर दिया। माली नुकसान तो मैं किसी ना किसी तरह अपना वापस ले लूंगा, मगर जो जज्बाती नुकसान हुआ है वो कभी पूरा नहीं हो सकेगा। ये आपने ठीक नहीं किया, बहुत तकलीफ हुई मुझे। इम्पॉसिबल, तुम लोग जो करने के लिए कह रहे हो मैं किसी सूरत नहीं कर सकता हूँ। प्लीज दोबारा मत कहना मुझसे। प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो। अच्छा मेरी खातिर नहीं तो मेरी बेटियों की खातिर, लेकिन मैं अपनी बेटियों के बगैर नहीं रह सकती। चाहे सादान जैसा भी हो लेकिन उनका बाप है, मैं ये नहीं कर सकती। प्लीज प्लीज मेरी खातिर एक दफा जाके उसको सॉरी कह दो। मैंने आगा जी से भी बात कर ली, बस मैं जानती हूँ मैं तुमसे क्या मांग रही हूँ। प्लीज प्लीज नैना, प्लीज एक दफा से बोलो ना। नखिल प्लीज, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है, आपको ये करना पड़ेगा। Are you serious? मैं उस शख्स की इस वक्त शक्ल नहीं देखना चाहता हूं, और तुम लोग मुझसे कह रहे हो कि मैं उससे जाकर माफी मांगूं? कल उसने मेरे पर गोली चलाई थी, उसूली तौर पर आज उसे जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, और तुम लोग कह रहे हो कि मैं आई एम रियली सॉरी अलीना। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, किसी सूरत नहीं कर सकता। तुम लोग प्लीज मुझे बार बार फोर्स मत करो यार। प्लीज मेरी खातिर, मेरी बेटियों की खातिर, प्लीज प्लीज। नखिल मैं देखती हूँ। नखिल अलीना से बात होगी आपकी? जी साहब, मेरी बात हुई थी अलीना बिटिया से, मैंने उन्हें समझाया है। वो कह रहे थे नखील साहब आ जाएंगे आपसे माफी मांगने के लिए। ठीक है, उसे ये भी बता दीजिएगा कि माफी किस तरह मांगनी है। क्या मतलब सादान साहब? सिर्फ बोलकर नहीं, हाथ जोड़कर ऐसे माफी मांगनी है नखील ने मुझसे। अगर अलीना इस घर में वापस आना चाहती है तो माफी ऐसे ही मांगनी होगी, और बेशक वो वहीं रहे, आने की जरूरत नहीं। अलीना प्लीज, सब ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। नैना मैं समझ सकती हूँ कि मैं तुम लोगों पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाल रही हूँ, एंड आई नो व्हाई वुड नखील डू दिस फॉर मी, लेकिन मेरी बच्चियां वो अगर मुझे ना मिली ना तो वो बर्बाद हो जाएंगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। देखो मैं जानती हूँ कि सादान पर किसी का बस नहीं चलता, लेकिन तुम नखील को तो समझा सकती। प्लीज नैना प्लीज। आई विल। सरप्राइज? क्या है सरप्राइज बताओ ना। तुम लंच करो, उसके बाद पता चल जाएगा तुम्हें। प्लीज ना सादान, बताओ ना क्यों कर रहे हो ऐसे। अजीब बात है, सरप्राइज का मतलब होता है सरप्राइज, पता चल जाएगा। बहुत बुरे हो तुम। टेल मी समथिंग आई डोंट नो। एक जिद्दी आदमी से कोई गलवा ही ना ले कुछ। अच्छा खैर, वो माय प्रॉपर्टी के मामले का क्या हुआ? उस मामले को बहुत एहतियात से हैंडल करना होगा। इतनी एहतियात ना कर लेना कि प्रॉपर्टी हाथ से चली जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। अलीना जानती है कि जो कुछ भी है वो बच्चियों का, चाहे मेरे पास हो या उसके पास। अमन नखील वो तो कुछ नहीं करेगा।
वो कुछ नहीं कर सकता। He is also an emotional form. Nothing to worry. हाँ लेकिन फिर भी अब तुम्हारी तो है नहीं प्रॉपर्टी, सब कुछ अलीना के नाम पे, so you should be careful. तुम्हें क्या लगता है मुझे इस बात का ख्याल नहीं? लेकिन अगर अलीना को मैंने इस वक्त यह एहसास दिला दिया कि जो कुछ हमने उसके नाम कर गई है मैं उसके लिए बेचैन हूँ, परेशान हूँ, तो एक तरह से अपनी कमजोरी उसके हाथ में। फिर सब ठीक हो जाएगा, अलीना खुद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करेगी। और क्या मैं पूछ सकती हूँ कि कैसे हुआ? एक प्लान है, बताऊंगा तुम्हें। उसी प्लान के तहत आज आगा जी को भेजा उसकी तरफ मैंने। तुम लंच खत्म करो, सरप्राइज तुम्हारा वेट कर। यस। क्या उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं उससे हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा। मैं? ऐसा नहीं हो सकता है, आप उसे जाकर बता दें प्लीज। आगा जी, सादान ने बिल्कुल यही लफ्ज इस्तेमाल किए, बिल्कुल यही। जी हाँ बेटी, अब मैंने बहुत कोशिश की समझाने की सदान साहब को, लेकिन आप तो जानती हैं कि जब गुस्सा उनके दिमाग पे चढ़ जाए तो वो किसी की नहीं सुनते। हाँ हाँ, हम अच्छी तरह जानते हैं जब उसे गुस्सा आता है तो वो किस हद तक गिर जाता है, लेकिन आप उसे बता दीजिएगा मैं हाथ जोड़ के तो क्या वैसे भी उससे माफी किसी सूरत नहीं मांगूंगा। नहीं मगर प्लीज अलीना, इसरार मत करो इस बात। अगर मैंने कोई गलती की होती तो मैं उससे माफी जरूर मांगता, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। अगर कुछ ना भी किया होता तो भी ये जानते हुए कि मेरे माफी मांगने से तुम्हारा घर बच जाएगा, मैं जरूर ये करता, लेकिन नहीं, हम सब जानते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप जाइए उसके पास आकर और उसको जाकर बताइए जो पैगाम आपने मुझे दिया वो एज इट इज आपने मुझे बता दिया, लेकिन ये मेरा पैगाम, मैं उससे माफी नहीं मांगू।